फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंदुबल आइडियाज़। फ्रेंड्स देख लीजिए मेरे साथ चल के सी एरिया। तो ये हम जा रहे हैं कोचीन में, वहाँ के नज़दीक की जगह है। ये तो पंपड़ी का ब्रिज है, ये मार्केट जाते हैं जब भी तो पंपड़ी जाते हैं तो इसी ब्रिज से होके जाना पड़ता है। ये सी एरिया है तो इसके ऊपर से ये ब्रिज बनाया हुआ है फ्रेंड्स। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर किया जाए, तो इसलिए करके मैंने थोड़ा वीडियो में ये ऐड कर दिया। और ये फ्रेंड्स देखिए, देखने में ये शाम के 4:30 बजे का टाइम है। 4:30 बजे मैं थोड़ा मार्केटिंग के लिए ऐसे निकली थी, तो फिर इसलिए करके मैंने थोड़ी, बेटा साथ में था तो वीडियो बना ली थी। सो फ्रेंड्स इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए डीप क्लीनिंग चल रहा है यहाँ पर मेरा। और ये मैंने आज घर की सफाई करने के लिए सारा, मतलब जितना भी मैंने डेकोरेट किया हुआ था, कर्टन्स वगैरह, कारपेट वगैरह, और जितनी भी चादर वगैरह और जितना भी जो भी डेकोरेशन का सामान था सब हटा दिया। फ्रेंड जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सारा सामान हमें हटा देंगे, तो उससे हमारा क्या होगा कि डीप क्लीनिंग हमारी करने हमें ईजी हो जाएगी, मतलब हम सफाई अच्छे से कर सकेंगे। नहीं तो एक सामान से धूल हटाएंगे तो दूसरी सामान पे चली जाएगी। तो देखिए कुछ कपड़े धुल रहे हैं और कुछ मशीन में हैं, तो कुछ मैंने मशीन से निकाल दिए हैं इसी तरह से। आज तो ये काम पूरे दिन मेरा चलने वाला है फ्रेंड्स। तो देखिए ये मैंने सारे पिलो कवर्स वगैरह सब कुछ जितना भी मेरा, मतलब मैंने सामान लगाया हुआ था सारा मैंने निकाल दिया, और सारी दीवार कर्टन्स वगैरह सब कुछ मैंने एकदम खाली कर दी फ्रेंड, जिससे मैं अच्छे से सफाई कर सकूँ। तो ये है बच्चों का रूम और ये है गेस्ट रूम। तो यहाँ का भी देख लीजिए, मैंने बिल्कुल एकदम सब कुछ हटा दिया है। दीवार वीवार पे जो भी लगा रखे थे, सीनरी वगैरह, शोज वगैरह सब कुछ, ये देखिए एकदम दीवार बिल्कुल खाली है। तो इस तरह से ये आज मेरा डीप क्लीनिंग चल रहा है, और मैंने सोचा चलो आप लोगों से शेयर करती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पर डाइनिंग हॉल में जितने भी जो चीज़ें जो मैंने लगा रखी थी सब हटा के मैंने डाइनिंग टेबल पे रख दी है। और ये देखिए मेरे आर्टिफिशियल जो भी प्लांट मैंने रखे हुए हैं लाके, और जो भी चीज़ें मैंने मेरे DIY, इनमें ज़्यादा चीज़ें मेरी DIY हैं, सब कुछ मैंने खाली करके एकदम यहाँ पे सब वॉश करने के लिए रख दिया है। ये यहाँ पे बाथरूम का एरिया, तो इसी जगह पे क्योंकि अंदर बाथरूम छोटा है तो ये मैंने बाहर रख दिया। इनको एक एक करके अभी मैं बारी बारी लेके बाथरूम में इनको वॉश करूँगी और फिर बाहर रखती जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये मैंने कुछ, जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इसी तरह से मेरे को सामान, मतलब सारा सामान निकाल के इसी तरह से करती हूँ, एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ और उसके बाद फिर वॉश करती रहती हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरे सारे जितने भी चादर कर्टन्स मैंने वॉश किए थे वो मैंने सब सुखा दिए और सूख गए, और सूखने के बाद मैंने ये सारे रख लिए। और देखिए यहाँ पे बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद क्या है फ्रेंड, अभी इनको जितना भी मतलब मुझे रखना है वो मैं रख लूँगी बाहर, बाकी मुझे अभी मेरे को दूसरा सेट लगाना है, तो मैं इनको सबको फोल्ड करके और बॉक्स में रख दूँगी और दूसरा सेट मैं अपना लगा लूँगी। तो ये हो गया डीप क्लीनिंग का। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी 2 रूम की वॉल, और जिसपे बहुत ज़्यादा सीलन आई हुई है फ्रेंड्स, तो एकदम मतलब पूरी वॉल ही ख़राब हो रखी है। ये 2 रूम हैं तो दोनों रूम में एक दीवार के ऊपर, दोनों की मतलब जो फ्रंट दीवार है, एंटर करते ही जो दीवार है उस दीवार के ऊपर इस तरह से सीलन आई हुई है, तो वो मतलब एकदम टोटली ख़राब हो रखी है वो दीवार। तो इस तरह से देखिए दूसरे रूम के भी सेम ऐसे ही है, मतलब किसी के नीचे से तो किसी के ऊपर से, दोनों रूम में एक एक दीवार मतलब एकदम डैमेज हो रखी है, तो दिखने में काफ़ी गंदी लग रही है। और अगर इसको हम मतलब सीमेंट वगैरह से कुछ करवाते हैं तो बार बार फिर से सीलन आती है। और वैसे आप लोगों को पता है हम रेंट, मतलब गवर्नमेंट हाउस में रहते हैं तो वही पोस्टिंग वगैरह का चक्कर है, तो फिर इसलिए करके हम इसको कुछ ज़्यादा करवा भी नहीं सकते। और अगर वॉलपेपर लगाएंगे तो वो भी हमारा वेस्ट जाएगा। तो फिर मैंने इसको कुछ, इसका भी कुछ सोचा मैंने करने के लिए, तो मैं मार्केट से फ्रेंड्स कुछ पेपर लेके आई, जो कि 2 रुपए की मुझे एक सीट पड़ी, तो मैं ऐसे करके 50 पेपर लेके आई। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये दीवार थी बीच के एरिया की, जो दोनों रूम मतलब है उनके आगे का एरिया है, उसका छोटा सा एरिया बनाया हुआ है, तो वहाँ की दीवार भी मतलब उसका कलर थोड़ा लाइट हो गया था, तो उसको थोड़ा अच्छा करने के लिए ये मैंने खुद से ही, वो छोटा एरिया था इसलिए यहाँ पे मैंने खुद से ही डिस्टम्बर लिया वाइट कलर का, और उसमें येलो कलर का डिस्टम्बर मिलाया और पेंट किया, तो अच्छा हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब वॉल का मेकओवर करने के लिए मैंने क्या किया कि ये इस तरह की सीट, मतलब गिफ्ट रैप पेपर आते हैं मार्केट में, तो मैंने इनको ये मैं ले आई, और ये मुझे मतलब 50
50 पेपर लिए थे मैंने ये, तो ये 25 पेपर मेरे एक दीवार पे लग गए। इस तरह से मैंने एक एक शीट ली और फेविकोल लगाया और इस तरह से मैंने दीवार के ऊपर नीचे से लेके ऊपर तक लगा दी। नीचे से स्टार्ट की और हाथ से एकदम उनको सेट कर करके ये देखिए इस तरह से मैंने पूरी दीवार को कवर कर दिया। और यहाँ पे ये स्टिकर्स लगा दिए, ये देखिए यहाँ पे फ्लावर स्टिकर लगा दिए जो कि मुझे 50 रुपये का ये स्टिकर पड़ा था। और ये जो आप ऊपर बटरफ्लाई देख रहे हैं फ्रेंड, ये मेरी मेरी DIY है। ये मैंने फ्लावर सॉक्स जो आती हैं उनसे बना के, और मैंने खुद नहीं लगाई थी यहाँ पे बना के। तो ये देखिए जो दीवार कितनी गंदी दिख रही थी आप लोगों को, मैंने पीछे वीडियो में दिखाई थी, तो ये वही दीवार है फ्रेंड्स। तो देखिए ये पेपर लगने के बाद कितनी अच्छी हो गई, और ये पेपर ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कि हमने मतलब लगाया हुआ। और ये देखिए वो एरिया है जहाँ पे मैंने डिस्टम्बर किया था, तो ये भी काफ़ी ब्राइट हो गया। और यहाँ पे मेरा आर्टिफिशियल प्लांट लगाया हुआ है मैंने, और इसमें लाइट्स लगाई हुई हैं और बच्चों के टॉय इसके अंदर रख दिए जो कि अभी बच्चे खेलते नहीं क्योंकि बड़े हो गए। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी वॉल थी मेरी मतलब जो कि दोनों रूमों के बीच में, तो वहाँ पे मैंने ये पेपर लगाया इस तरह का, क्योंकि मेरा अभी पूरा सेट घर का इसी कलर में है, तो फिर मेरे को यही कलर करना था। पहले मैंने पर्पल लगाया हुआ था तो उस टाइम में पर्पल था, अभी मेरा ये सी ये मेरा हो गया, अभी ये एक्वा ग्रीन हो गया, तो फिर मेरे को अभी यही लगाना था, तो इसलिए करके मैंने ये लगा दिया फेविकोल लगा के। खाली किनारे पे फेविकोल लगाया, थोड़ा थोड़ा बीच में लगाया और ये एकदम चिपक गया इसके ऊपर। ये पहले मेरे पास पर्पल सेट था तब मैंने पर्पल लगाया हुआ था, तो देखिए फ्रेंड्स लगने के बाद ये कितना अच्छा लगा। और ये बीच का एरिया एकदम ब्राइट हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे दोबारा पेंट किया, तो इसलिए करके ये एरिया काफ़ी ब्राइट हो गया और दिखने में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, ब्राइट एकदम। और देखिए कर्टन्स और ये वॉल का जो बीच का एरिया एकदम मैचिंग हो गया। और इसके पास ऊपर जो मैंने लगाया ये मेरे DIY है सब, ये नीचे भी मैंने अपना DIY जो मोप बकेट का बनाया था वो, ये सब वही है। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये हम वॉल पे अभी वॉल सेल्फ बनाने के लिए, ये मेरे पास डब्बा है खाली, कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है वो है, तो इसको लगाने के लिए मैंने क्या किया, दीवार के ऊपर पेपर चिपका दिया इसी की साइज़ का, और जब तक वो सूखेगा तब तक मैं इसके ऊपर पेपर चिपका लूँगी। अब ये डब्बे के ऊपर मैं पेपर चिपका लूँगी, न्यूज़पेपर या फिर वैसा पेपर, आप कैसा भी पेपर चिपका सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से फेविकोल लगा लिया और अभी इसके ऊपर मैं पेपर लगा लूँगी न्यूज़पेपर, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले से लगाया हुआ था, बट आप लोगों को दिखाने के लिए मैं फिर से एक बार लगाऊंगी। तो देखिए ये मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया पीसीस कर करके इसके साइज़ के ऐसे, और अब इसके ऊपर फिर से मैं, ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर फिर से मैं फेविकोल लगा लूँगी देखिए इस तरह से। अब जब ये सूख गया और जो दीवार पर पे हमने पेपर चिपकाया था वो भी सूख गया अच्छे से, तो अभी इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से मैं पेस्ट कर दूँगी। तो ये देखिए ये ऑलरेडी मैंने गिफ्ट रैप पेपर में मतलब रैप किया हुआ है, और ऐसे ही कुछ थोड़े से इसके ऊपर पेंट किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन में अच्छा बन गया। तो देखिए लगने के बाद ये मेरे दो वॉल शेल्फ बन गए, एकदम कॉस्ट फ्री हो गए, ये मेरा मतलब कुछ पैसा नहीं लगा। और इसी तरह से मैंने और भी बनाए हुए हैं, तो देखिए अब ये देखिए दूसरे रूम का वॉल जो आपको दिखाया था काफ़ी गंदा था जो कि, और इसको मैंने थोड़ा सेट भी कर दिया, चेंज भी कर दिया, तो इसी तरह से मैंने पूरा ये पेपर लिया। ये दूसरा कलर है, इसको फ्रेंड 2 साल हो गए, और जो दूसरे रूम का दिखाया था आपको वो उसको 1 साल हो गया। तो ये देखिए इसका कुछ नहीं मतलब ये ख़राब होता लगने के बाद, काफ़ी अच्छा लगता है और शाइनिंग भी रहता है। तो देखिए जो बॉटल रखी देख रहे हैं, तो ये भी मेरे मैंने डब्बों से ही वॉल सेल्फ बनाए हुए हैं, और बोतल के ऊपर जो तीसरा वॉल सेल्फ है वो भी मैंने मोबाइल का ही डब्बा मतलब चिपकाया हुआ है वॉल के ऊपर। तो इस तरह से छोटी छोटी क्रिएटिविटी करके घर को डेकोरेट किया जा सकता है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।